हाय गाइस, चलो हम लोग बनाने वाले हैं शैडो, वो भी फोटोशॉप में। तो पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोग VFX प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया कैनवस साइज। कैनवस साइज में गए, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया परसेंटेज। परसेंटेज में गए, विड्थ मुझे बड़ा चाहिए, तो विड्थ मैंने कितना कर दिया, विड्थ मैंने कर दिया 200, सिर्फ विड्थ को बड़ा किया। गॉट इट? तो विड्थ मेरे पास बड़ा हो गया यहाँ पे। अभी पहला पार्ट ऐसे कि हम लोग अगर लाइटिंग पे काम करें तो एक बेसिक सा फंडा समझा दो, बी फॉर ब्रश। ठीक है, लाइट है मेरे पास यहाँ पे, सपोज मैंने ये येलो कलर यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैंने ये सिंपल सा पार्ट लिया। मैंने यहाँ पे मैंने बताया भाई मेरे पास यहाँ पे सन है। ठीक है, ओपेसिटी मेरे ख्याल से बहुत कम दे रखा है मैंने यहाँ पे। मैं थोड़ा तो सा पेंट करा था तो इसलिए मैंने थोड़ा तो सा सपोज ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास सन है। ठीक है, ये सन दे दिया। सन के साथ मैंने यहाँ पे क्या बताया, लाइट कैसे आ रहा है, तो लाइट का अगर आप एंगल देखोगे तो यहाँ से ये और शिफ्ट ऐसा एंगल जा रहा है यहाँ पे। गॉट इट? तो अगर ये एंगल आ रहा है, मैं लाइटिंग को अगर समझ पा रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो लाइट का पार्ट यहाँ पर आया, तो मेरे पास अगर ये सामने से आ रहा है तो मेरे पास शेडो कहाँ जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। गॉट इट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाहता हूँ भाई मुझे यहाँ से कुछ स्टेप से मैं अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पीछे मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक कलर नहीं लेना, ब्लैक कलर यूजुअली लिया जाता है। ठीक है, जब नए बच्चे होते हैं, जब आप थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे लाइट ब्लूइश आपको यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, याद रखना यहाँ पे कलर आपने लिया कि नहीं लिया यहाँ पे, मेक श्योर। एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे मगर यहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे मेरे पास जो लाइक इमेज को एक बार देखें, इमेज मोड है RGB ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ें मेरे पास ऐसा आ रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे चीज़ों करके मैं मैनेज करूँ, मेरे पास कुछ वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कलर पिक्स यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये वर्क कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है कंट्रोल एंड क्लिक, एंड देन ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, गॉट इट? ये बेसिक समझाने के लिए था, ये हमने क्या बनाया, एक बेसिक सा पार्ट। दूसरी चीज़ें यहाँ पे, जब हम लोग शेडो बनाते हैं तो शेडो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन शेडो, एक होता है कॉन्टेक्स्ट शेडो। कॉन्टेक्स्ट शेडो का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सा शेप अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, शेडो के इसके बीच में, गॉट इट? यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया। गॉट इट? अभी कुछ समझ में आया? यहाँ पे हमने कुछ शेडो दिया, अभी जो शेडो दे रहे हैं ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लर एंड गॉशियन ब्लर कर दिया यहाँ पे। अभी आपको एक बेसिक सा फंडा समझ आ रहा होगा कि भाई हमने यहाँ पे जो भी काम किया वो हमने एक कॉन्टेक्ट शेडो भी बना दिया है। गॉट इट? तो ये जो मैंने यहाँ पे काम किया, जो मैंने यहाँ पे दिया भाई कंट्रोल एंड क्लिक किया और मैंने यहाँ पे देखो, अरे तो ये कॉन्टेक्स्ट शेडो बन जाएगा। देखो, दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट शेडो एंड दिस इज शेडो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि हम लोगों को कंपोजिटिंग में काम करना, तो हम लोग ये कंपोजिटिंग में लेके चलेंगे कि भाई मैंने ये फाइल को सेव कर दिया, फाइल सेव एज, और मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। भाई मैं अगर यहाँ पे एक सीवीजी का एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल वी देन एंटर। ठीक है, सीवीजी हम लोग PHD फाइल भी लेके आ सकते हैं। गॉट इट? सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि मुझे अगर लेवल मुझे काम करना पड़े तो मैं काम कर सकता हूँ। ओके,